श्रीमती शालिनी मिश्रा। महोदय पूरा पूछिए जी, उत्तर आया है मेरे मेरा पहला। मैंने नेता विरोधी दल को मैंने अवसर दिया, उनके उनके बातों पर उनके जवाब माननीय विद्युत मंत्री दिए, अब मैं नेता विरोधी दल को समय नहीं दे सकता हूँ। माननीय महोदय मेरा पूरा किया है, कोविड के दौरान 29 नियम से मैंने तो 2000 उनको समय दिया। अजीब हाल है महोदय, कोविड के दौरान 29/1/2021 को पूरा की पूछ रही हूँ महोदय। कोविड के दौरान बिहार के मुख्य सचिव ने हर जिले में चिट्ठी भेजी थी 29/1/2021 को, एक पखवाड़ा का समय दिया था 17/2/2021 से 3/3/2021 तक शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सभी जिले को। आप और अपने बात को शून्य काल में रखिएगा, बड़ा सरकार होने दीजिए, अपना गगह गरम कीजिए। और महोदय हर विभाग को इसकी कॉपी गई थी, फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2021 में चिट्ठी निर्गत होने के बाद से ये पखवाड़ा क्यों नहीं शुरू हुआ, शत प्रतिशत काम क्यों नहीं हुआ महोदय। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय लगातार कोविड बीमारी के कारण ये विभिन्न तरह के कार्यों में कठिनाई होती रही, और यह एक ऐसा कार्य था जिसमें आप लोगों से संपर्क की आवश्यकता थी, तो लंबे समय तक सरकार ने जवाब दिया, परेशानी की वजह से देर हुई हो, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की भावना सहयोग में इस बात की जानकारी लेकर माननीय सदस्य को दे दिया जाएगा। अब महोदय अभी अभी आयुष्मान कार्ड के निर्माण और अनुमोदन के लिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 डेटाबेस का उपयोग किया जा रहा है। एसईसीसी डेटा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बिहार ने निम्नलिखित पहल किए। सीसीटीवी डेटा के हाउस होल्ड आईडी के आधार कार्ड से जोड़ना ताकि अस्वीकृति के दर को कम किया जा सके। दूसरा, प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान कार्ड निर्माण और वितरण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसकी जांच वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर की जा रही है। भविष्य में इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण विभिन्न विभागों में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा, जीविका, आंगनवाड़ी सेविकाओं, विकास मित्र तथा पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों आदि के सहयोग से राज्य में आयुष्मान कार्ड का आच्छादन बढ़ाएगा। महोदय मेरा दूसरा पूरक है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरी भावना है, ये सिर्फ मेरी भावना नहीं पूरे बिहार के गरीबों की वंचितों की भावना है। मैं पूछना चाहती हूँ ये जो आंकड़े आए हैं 77,60,000 कार्ड बने हैं, बनने चाहिए थे 5,55,62,406 कार्ड, तो ये सिर्फ 14% आयुष्मान कार्ड अभी हमारे बिहार में बने हैं, 86% आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहेंगे कि कब तक ये पंचायत वाइज वहाँ पे कैंप लगाकर, या तो आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कैंप लगाकर कितने दिनों में शत प्रतिशत ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी गरीबों वंचितों को ये लाभ मिले? ये काफी लाभकारी योजना है, सरकार भी काफी इसके लिए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय मैंने पहले ही बताया कि इस कार्ड को त्वरित करने के लिए सरकार द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन किया गया है, ऐप विकसित करने के साथ और उसके टेस्ट किया जा रहा है, और राज्य में आशा, जीविका, आंगनवाड़ी सेविकाओं, विकास मित्र एवं पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से त्वरित गति से इसे किया जाएगा। और इसका यह इतना विस्तारित इसलिए किया जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द किया जाए, और यह जो 77.6 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया गया है, यह कुल आवश्यकता का 33.1% है, 14% नहीं,
इसलिए मैं समझता हूँ कि जो शेष है वह जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। महोदय नहीं, मेरा पूरक है, एक तो मैं ये उत्तर को चैलेंज करती हूँ, 5,55,62,406 कार्ड बनने थे, 77.6 लाख बने हैं, ये मैं पूरक पे आ रही हूँ, पूरक पे आ रही हूँ। तो एक तो माननीय मंत्री जी ने समय सीमा नहीं दी है, दूसरी BIS 2 की इन्होंने बात की है, समय सीमा मुझे चाहिए पूरे बिहार के लिए, और दूसरा BIS, महोदय पूरा करती हूँ पूरा, दूसरा BIS 2 की इन्होंने बात की है, ये भी पिछले 2 सालों से नहीं चल रहा है, ऑनलाइन आवेदन भी नहीं हो रहा है, जो उत्तर में लिखा है कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो महोदय इन दोनों कामों को माननीय मंत्री जी कब तक पूरा? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय मैंने पहले ही कहा कि कोविड कारणों से यह कुछ डिले जरूर हुआ है, और दूसरी बात, मूल प्रश्न में पूछा गया है कि 1,08,85,000 लाभुक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्रदान की जानी है, माननीय सदस्य का प्रश्न, और उसमें 73.2 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया गया है, जो 31% है, तो फिर 5 करोड़ का मामला आगे का है। अभी जो इनका मूल प्रश्न है उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि इनका 73.2% नहीं, लाख नहीं, 77.6 लाख अद्यतन रिपोर्ट है, और 1 करोड़ जो कि 33.1% है। बाकी सारे कार्य सुचारू रूप से आगे किए जा रहे हैं, पहले की कमियों को ठीक करके और त्वरित गति से इस कार्य को पूरा किया जाए।